जब भी हम दीक्षा लेना चाहते हैं सब कुछ हो चुका है वो स्वामी जी तैयार हो चुके हैं बस आपकी अनुमति चाहिए आपकी आंखों में आंसू क्या हुआ जबते क्या बात है आंसू का क्या ये तो प्रसन्नता में भी छलक जाते हैं और आपकी प्रसन्नता से बढ़कर हमारे लिए कुछ और हो सकता है उत्तम अति उत्तम ठीक है तो चलेंगे ना हमारे साथ आप कहेंगे ना गोस्वामी जी से कि दीक्षा लेने में आपको कोई आपत्ति नहीं है नहीं नहीं हम आएंगे ना आपके साथ आपने कुछ कहा और हम वो ना माने ऐसा कभी हो सकता है हम अभी आते हैं जी प्रताप था हम तो इतना प्रेम करते हैं आपसे कि आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप हमसे हमारे प्राण मांगेंगे आपके लिए हम अपने प्राण भी दे देंगे हंसते हंसते प्रताप से कहिए ना कि वो वापस महल आ जाए पहले ही कुंवर प्रताप के बिना वहां प्रजा में कैसे रहेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने आपने कहा था ना कि आपको हमारी अनुमति चाहिए उनके सामने चलिए वैसे हमारे पास भी एक प्रसन्नता का समाचार है जिसे सुनकर आपको भी बड़ी प्रसन्नता होगी अजब दे हमारी बातों के बीच हम आपसे पूछना तो भूल ही गए आप भी हमसे कुछ कहना चाहती थी ना क्या बात है आप हमसे कुछ छिपा रही हैं क्या कहें या ना कहें
आपको नया मार्ग मिल गया, जीवन में नया लक्ष्य मिल गया। अब हमारे पास बचा ही क्या आपसे कुछ कहने के लिए। चले जय श्री राम। जय श्री राम। सदा बनी रहे। देवी, आपको देखकर माता का स्मरण हुआ, सीता मैया का। माते, यदि आपके पति ने हमसे दीक्षा ली, हमारे शिष्य बने और संन्यास आश्रम का स्वीकार किया, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? जब एक आदेश पर सीता मैया ने अपने प्राण से भी प्रिय राम जी को छोड़कर जंगल में वाल्मीकि आश्रम को अपना घर बना लिया, फिर हम अपने पति की इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं गुरु जी? देवी, आपसे केवल इतना ही जानना था। जय श्री राम। भोजन समय पर कर लीजिएगा, हमें मिलते ही अपनी नींद भी पूरी कर लीजिएगा। दिया जलाते समय संभल कर, अब हमेशा अपनी उंगलियां जला देते हैं।
गोस्वामी जी हमसे भूल हो गई, वो हमारी पत्नी है, हम वचनबद्ध हैं, हमारा उत्तरदायित्व है वो। क्षमा कर दीजिए, वर प्रताप अपनी भूल से ही सीखता है। संभालिए अपना उत्तरदायित्व। जानते हैं आप उद्विग्न हैं अपनी माता से, अपने भ्राता से, और इसी मनोवस्था में आप किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहां आ गए हैं। किंतु कुंवर प्रताप, क्या आपका उत्तरदायित्व केवल आपके परिवार के प्रति है, आपके कुल के प्रति है, आपकी प्रजा के प्रति है? नहीं कुंवर प्रताप, आपका उत्तरदायित्व है भारतवर्ष के जनसाधारण के प्रति। आज अनेकावधि चक्षु आपकी ओर देख रहे हैं आशा से। आपका जन्म तो अत्यंत महान कार्य के निष्पादन के लिए हुआ है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नियति का लिखा है आपके ललाट पर। आपको लड़ना है अपनी मातृभूमि के लिए, किंतु सरल नहीं है आपका ये मार्ग। कदापि सरल नहीं है कुंवर प्रताप, इस मार्ग पर चलते हुए
ऐसी भीषण आपदा का सामना आपको करना है। किस विध्वंस, किस आपदा, किस विनाश और किस हार की बात कर रहे हैं आप गोस्वामी जी? वो जब भी होगा आप स्वयं को ज्ञात हो ही जाएगा, किंतु इस समय आपको तुरंत चित्तौड़ जाना होगा। आपके पिता को आपकी आवश्यकता है कुंवर प्रताप, आपको दीक्षा चाहिए ना? यही है हमारी दीक्षा, कि आप तुरंत चित्तौड़ लौट जाएं। राम जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय
जय श्री राम। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.